15 तारीख के वाकये के बाद 16 को सुबह हमने एक कंप्लेंट SHO को भेजी थाने पे, उन्होंने उसको रिसीव नहीं किया। हमने उसी की कॉपी ईमेल से भेजी है अपने कहते हैं CP को, उसकी कॉपी भेज दी और उसकी कॉपी हमने DCP को भी भेजी है। जब इसके रिस्पांस पे हमको एक जॉइंट कमिश्नर साहब ने बताया कि हमने इसको क्राइम ब्रांच में भेज दिया है, हमने क्राइम ब्रांच को भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा है कि आपके पास रिसीव हो चुकी है और आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। हमारे सारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं कि किसी तरह से इसके ये रजिस्टर हो जाए FIR, और जो अभी तक नहीं हुई है, और हमें उम्मीद है कि अगर हम इसे फॉलोअप करते रहेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगी। और ह्यूमन राइट्स कमीशन को यूनिवर्सिटी ने भी, टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने भी लिखा था कि आने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि यहाँ वायोलेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का। अब कमीशन की टीम एक बार आ चुकी है, सारे उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और जो चीज़ें मांगी हैं सबूत, वो हमारी यूनिवर्सिटी ने उनको दे दिए हैं। अब वो दोबारा ट्यूसडे को आ रही है, आने वाले दिन में ट्यूसडे को हमारे पास आ रही है, ताकि उन बच्चों के जो घायल हुए हैं उनकी और या विटनेस थे उनके सबूत ले सके, उनके बयान ले सके। तो वो हमारे साथ रहेगी कई दिन तक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश करेगी। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को अकेला ना छोड़ें। इस वक्त वो ट्रॉमा से भी गुजरे हैं एक, और उनको उनकी सोच भी हमें चाहिए कि एग्ज़ाम कब से चाहते हैं। तो हमारे टीचर्स हर तरह से जाके बच्चों से मिल रहे हैं। मैं जितना पॉसिबल है मेरे लिए, एक इंसान के लिए, वो जाके बच्चों को बुला के भी मिल रहे हैं। मैं उनके हॉस्टल्स में गई हूँ, कल शाम को मैं गर्ल्स हॉस्टल गई थी, दो उससे पहले भी जा चुकी हूँ, और उनके साथ न सिर्फ खाना खाया बल्कि उनके साथ उनके हालचाल पूछे, और उनका डर अगर है, जो कि कुछ बच्चों में अभी भी है, उनको कहा कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी के मजबूत करने की, जो हमने करीब करीब डबल कर दिया। इस वक्त जो गार्ड जहाँ एक खड़ा होता है वहाँ दो खड़े हैं, और वो बहुत सिक्योर हैं और बहुत उनको ट्रेंड भी हैं, मगर डर जो है वो तो दिल में होता है ना, तो उसके लिए हमने एक काउंटर भी खोला हुआ है जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट बैठी होते हैं, और वो जिस बच्चे को डर है और जो डर से छुटकारा नहीं पा पा रहा, क्योंकि हमारा डर जब होता है, जब एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा तब भी हम डरते रहते हैं, तो उन बच्चों को के लिए वो जाके बातचीत करें, उनके दिल में जो बात है वो कहें, कि वो अपने पेरेंट्स से अगर दूर हैं तो कोई सुनने वाला होना चाहिए, इसलिए वो कोशिश भी करिए। और साथ में ये भी किया है कि जिन बच्चों की चोटें लगी हैं वो अपना अपनी रसीदें और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें, और यूनिवर्सिटी उनका इलाज के सारा खर्चा उठाए। जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन हमने उसके मॉर्निंग में, अगली मॉर्निंग में ही हमने उनको लिख दिया था कि ये हुआ है, और उनसे रिक्वेस्ट कर ली थी कि आप एक हाई लेवल इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि हमारे इतने सारे इनोसेंट बच्चे घायल हुए हैं, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर आने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था कि आप बिना इजाज़त के आ रहे हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब उसके बाद अभी तक कुछ लिया नहीं है उन्होंने, मगर हम लगातार उनसे उनको बार बार याद दिलाने के लिए लिख रहे हैं, और सारे अधिकारीगण से मिल भी रहे हैं जो हायर ऑफिसर्स हैं, क्योंकि हमारा रास्ता सिर्फ यही है MHRD के थ्रू इसको हम इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। जिस तरह से यूनिवर्सिटी इसने एक के डिफरेंट ग्रुप्स ने मिलके एक कमेटी बनाई जिसको वो JCC कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस कमेटी से हम लोग लगातार कॉन्टैक्ट में हैं, हमारे टीचर्स हैं, इवन मैं भी उनसे कई बार मिल चुकी हूँ, और उनकी मेरे यहाँ जब आए थे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि एग्जामिनेशंस कर दिए जाएं, यूनिवर्सिटी खोल दी जाए। अकॉर्डिंगली हमने यूनिवर्सिटी खोल दी, और एग्जामिनेशंस भी थोड़ा सा गैप देके, ताकि बच्चे आ जाएं और उनको सारे एग्जामिनेशन जो हमारे पोस्टपोन होते हैं वो सब निकाल दिए, उनका नोटिफाई कर दिया, और हर बच्चे तक पहुँच चुका है। उसके बेसिस पे हर रोज़ काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और इम्तहान दे रहे हैं, कुछ एग्ज़ाम्स तो बिल्कुल पूरी तरह से हो रहे हैं, कंप्लीट आ रहे हैं लोग, कुछ में आधे लोग आ पा रहे हैं, और कुछ में स्टूडेंट्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो ये कह रहा है कि ये हम बॉयकॉट करेंगे। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब आपकी डिमांड पे एग्ज़ाम शुरू हुए तो आप बॉयकॉट करेंगे।
कि पूरे नहीं हैं, कुछ हैं, एक ग्रुप है उसका, तो वी हैव टू डिसाइड कि हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मगर मैं लगातार उनसे यही कह रही हूँ कि अगर हम इम्तहान कर लेंगे हमारा अगला सेशन शुरू हो जाएगा, सबकी डेट्स ऑलरेडी नोटिफाइड है, तो अगर हम अगला सेशन शुरू हो जाएगा तो इसमें भलाई किसकी है, बच्चों की तो है ना, वो बिल्कुल भी लूज नहीं करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं हुई, इट वॉज़ द विंटर वेकेशन विच वॉज, बच्चे ज़रा भी लूज़ नहीं करेंगे इसमें।